इंडियन प्रीमियर लीग में सूर्य कुमार यादव की सेंचुरी के दम पर मुंबई इंडियंस ने चौथी जीत दर्ज की। टीम ने वानखेड़ी स्टेडियम में सनराइजर हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। यह हैदराबाद की पिछले 4 मैचों में तीसरी हार रही। वानखेड़ी स्टेडियम में मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। हैदराबाद ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए। ट्रेविस हेड ने 48 और पैट कमिंस ने 35 रन बनाए। मुंबई से हार्दिक पांड्या और पीयूष चावला ने 3-3 विकेट लिए। मुंबई ने 17.2 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया। सूर्य कुमार यादव ने 102 रन बनाए। उन्होंने तिलक वर्मा के साथ 143 रन की पार्टनरशिप की। हैदराबाद से पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार और मार्को यानसन ने 1-1 विकेट लिया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी सनराइजर हैदराबाद ने पावर प्ले में 1 विकेट के नुकसान पर 56 रन बनाए। 10 ओवर तक टीम का स्कोर 90-2 रहा। यहां पीयूष चावला ने ट्रेविस हेड को चलता किया। चावला ने फिर हेनरी क्लासन और अब्दुल समद को भी पवेलियन भेजा। उन्हें कप्तान हार्दिक पांड्या का साथ मिला, जिन्होंने भी 3 विकेट लिए। सनराइजर का स्कोर 90-2 से 136-8 हो गया। हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने आखिर में महज 17 बॉल पर 35 रन बना दिए। उनकी पारी के दम पर टीम ने 20 ओवर में 173 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। कमिंस के साथ इम्पैक्ट प्लेयर सनवीर सिंह 7 बॉल में 8 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मुंबई से अंशुल कंबोज और जसप्रीत बुमराह को 1-1 विकेट मिला। 174 रन के टारगेट का पीछा करते हुए मुंबई ने 9 ही गेंदों पर 26 रन बना दिए थे, लेकिन यहां से मुंबई ने 5 रन बनाने में 3 विकेट गंवा दिए। टीम का स्कोर 5 ओवर के बाद 3 विकेट पर 36 रन हो गया। छठे ओवर में फिर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने कमिंस के खिलाफ 16 रन बटोरे। फिर अगले ओवर में मार्को यानसन के खिलाफ 22 रन भी बनाए और दबाव हैदराबाद पर कर दिया। 7 ओवर के बाद स्कोर 74 रन तक पहुंच गया। सूर्य कुमार यादव ने 18वें ओवर में दूसरी बॉल पर छक्का लगाया। इसी के साथ उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी की और टीम को जीत भी दिला दी। सूर्य 51 बॉल पर 102 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उन्होंने तिलक वर्मा के साथ 143 रन की पार्टनरशिप भी की। तिलक ने 32 बॉल पर 37 रन बनाए।